वेलकम बैक माई डियर किड्स हाउ यू आई एम पायल योर मास टीचर टूडे वी विल स्टार्ट आर न्यू चैप्टर ऑफ योर बुक मैथमैटिक्स बाय ब्रेन रूट सीरीज द नेम ऑफ द बुक इज मैथमैटिक्स वर्ल्ड विन प्री प्राइमर बच्चों आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स और चैप्टर का क्या नाम है एडिशन लेट स्टार्ट द चैप्टर ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग वो क्या कह रहा है दो बच्चे खेल रहे हैं टू मोर ज्वाइन them. और दो और बच्चों ने उनको क्या किया ज्वाइन किया काउंट एंड राइट हाउ मैनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑल टूगेदर अब आपको क्या करना है अब आपको काउंट करना है कि टोटल कितने बच्चे खेल रहे हैं दो पहले खेल रहे थे और दो बच्चे और आ गए खेलने तो अब आपको इन सब बच्चों को काउंट करना है और यहां पर लिखना है तो चलिए हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर तो टोटल तो कितने बच्चे खेल रहे हैं फोर बच तो टोटल कितने बच्चे खेल रहे हैं फोर देयर आर टू बर्ड्स ऑन द ट्री वो क्या कह रहा है कि एक ट्री पे कितनी बर्ड्स हैं? टू बर्ड्स हैं टू मोर जॉइन और और किया काउंट एंड हाउ मैनी बर्ड्सर अब आपको क्या करना है सारी बर्ड्स को काउंट करना है और आपको बताना है कि टोटल कितनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हैं. तो चलिए हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर तो टोटल कितनी बर्ड्स हैं फोर बर्ड्स तो so, हा ये कैसे हुआ टू पहले बैठी हुई थी टू बर्ड्स और आ गई तो टू एंड टू इज इक्वल टू फोर कि टू थी टू और आई तो so, जब हमने टू और टू को ऐड करा तो कितनी बर्ड्स हुई फोर बर्ड्स टू इंक्लूडिंग टू मेक फोर जब हमने टू में टू को इंक्लूड किया तो वो टोटल कितना नंबर बना नंबर फोर टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर द सिंबल ऑफ एडिशन इज प्लस तो एडिशन का सिंबल क्या है प्लस एंड इट इज रीड एज प्लस और इसको हम कैसे रीड करते हैं प्लस कहकर वो कैसे बनता है स्टैंडिंग लाइन देन टाइम फॉर प्रैक्टिस काउंट write एंड राइट सबसे पहले काउंट करिए फिर उसको गिनिए और फिर उसको यहां पर लिखना है तो सबसे पहले हम इनको काउंट करेंगे तो देखते हैं कितनी किस -कितन है वन टू थ्री कितनी है थ्री तो हम थ्री को इस कॉलम में लिखेंगे नेक्स्ट वी विल काउंट Them. अब हम इनको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर कितनी किटेंस फोर अब हमें क्या करना है हमें थ्री और फोर को प्लस करना है तो हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो टोटल कितनी किटन्स हैं सेवन नेक्स्ट अगेन वी विल काउंट वन टू अब कितने टोमेटोज हैं टू और ये कितने टमाटो हैं अब इनको भी काउंट करेंगे वन टू थ्री नाउ वी विल काउंट ऑल टूगेदर वन टू थ्री फोर फाइव तो टोटल कितने टमेटोज हुए फाइव टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव दिस पार्ट यू विल डू बायर सेल्फ नाउ नेक्स्ट काउंट एंड राइट द नंबर इन द सर्कल अब आपको क्या करना है काउंट करना है और जो नंबर आएगा उसको कहाँ लिखना है दिए हुए सर्कल में तो हम काउंट करेंगे पहले, one, two, three. यहां पर, one है और यहां पर कितनी बुक्स है टू बुक्स हैं। तो वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री अगेन वी विल काउंट वन टू थ्री एंड दिस वन वन टू थ्री तो यहां पर भी थ्री बेल्स हैं और यहां पर भी थ्री बेल्स हैं जब हमने थ्री और थ्री को एक साथ काउंट किया तो वो क्या नंबर आया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ऑल टुगेदर ये कितनी हुई सिक्स बेल्स हुई नेक्स्ट वन यू विल डू बाय सेल्फ कलर द शेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक वन हैज बीन डन फॉर यू आपको इसमें क्या करना, करना है बच्चों आपको देखो यहाँ पे शेप दी हुई है आधी शेप में अलग कलर है और कुछ में अलग कलर है आपको क्या करना है जो एक जैसे कलर की है उसको एक जगह लिखना है और जो एक जैसे कलर की है उसको एक जगह लिखना है तो फर्स्ट वाली पिक्चर में देखिए क्या सबसे पहले क्या है फोर ऑरेंज सर्कल है तो इन्होंने क्या किया वन टू थ्री फोर तो यहां पे क्या नंबर लिखा नंबर फोर और ग्रीन कलर के कितने सर्कल हैं टू सर्कल हैं तो टू उन्होंने कहा लिखा इस बॉक्स में नाउ व्हाट दे हैव डन उन्होंने फोर और टू को क्या किया ऐड किया फोर एंड टू इज इक्वल टू सिक्स फोर में जब हमने टू को ऐड किया तो क्या नंबर आया नंबर सिक्स अब नेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है कि ट्री तो उन्होंने आपको कलर करके दिया है और बाकी जो सर्कल है उसमें आपको क्या करना है अपनी पसंद का कलर करना है और उसको काउंट करके यहाँ लिखना है सपोज ट्री सर्कल में ग्रीन कलर है और बाकी ट्री में आपको क्या करना है कलर करने हैं तो यहाँ पे कित कौन आप अपनी पसंद का कोई सा भी कलर करेंगे सपोज आई कलर दिस वन आल्सो रेड एंड दिस वन आल्सो रेड थ्री प्लस थ्री इज इक्वल टू सिक्स नाउ फोर हैं उसमें आपको ग्रीन कलर ऑलरेडी किया हुआ मिला हुआ है तो टू ब्लैंक सर्कल में आप अपनी पसंद का क्या करेंगे कलर करेंगे और यहाँ पे क्या हुआ टू प्लस फोर इज इकल टू सिक्स नेक्स्ट वन यू विल डू बाय एंड टेक द करेक्ट आंसर यहाँ पे कुछ बॉल्स की पिक्चर है आपको इन सब बॉल्स को क्या करना है काउंट करना है और जो सही नंबर आएगा उस पे क्या करना है टिक करना है तो चलिए सबसे पहले हम बॉल्स को काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर तो टोटल so, कितनी बॉल्स है सेवन बॉल सो वी विल मेक टिक राइट ऑन द नंबर नेक्स्ट देयर आर पिक्चर ऑफ यू बॉटल्स कुछ बॉटल्स की पिक्चर दी हुई है आपको इन बॉटल्स को काउंट करना है और जो काउंट करके नंबर आएगा उस नंबर पे आपको क्या करना है टिक करना है तो आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे देखेंगे कि आपने कितना सीखा नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन एट द नंबर एंड कलर द करेक्ट आंसर आपको क्या करना है दिए हुए नंबर्स को काउंट करना है और जो करेक्ट नंबर है उसमें क्या करना है बहुत सुंदर सा कलर करना है तो वी आर हैविंग नंबर फोर एंड नंबर फाइव फर्स्ट वी विल काउंट फोर प्लस फाइव फोर प्लस फाइव कितने होते हैं वन टू थ्री फोर नाउ नंबर फाइव वन टू थ्री फोर फाइव अब हम इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो कितना आया नाइन यू हैव टू कलर नंबर नाइन द नेक्स्ट पार्ट यू विल डू बायर सेल्फ तो बच्चों अभी तक हमने विद द हेल्प ऑफ पिक्चर चीजों को काउंट किया अभी तक हमने क्या किया कि हमें कुछ पिक्चर्स मिली हुई थी उन पिक्चर्स को देख के हमने उनको काउंट किया और एडिशन सीखा अब हम एडिशन सीखेंगे एडिशन ऑन द नंबर लाइन अब हम नंबर लाइन पे सीखेंगे एडिशन कैसे करते हैं तो लेट्स स्टार्ट ऑब्जर्व सबसे पहले एक एग्जांपल है आप उसको ध्यान से देखिए तो एक नंबर लाइन है नंबर लाइन पे कहाँ से कहाँ तक नंबर है जीरो से स्टार्ट है फिर नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो नंबर लाइन पे कितने नंबर हैं जीरो से लेके टेन तक तो सबसे पहले आपको नंबर है नंबर फाइव तो हम क्या करेंगे हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाके रुकेंगे नंबर फाइव पर क्योंकि फर्स्ट नंबर क्या है हमारा नंबर फाइव उसके बाद है नंबर फोर तो अब हम नंबर फाइव से कितने स्टेप आगे जाएंगे स्टेप आगे जाएंगे वन टू थ्री फोर तो हम कहा आ गए नंबर नाइन पे तो इसका मतलब क्या है फाइव प्लस फोर इज टू नाइन नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन डू एडिशन ऑन नंबर लाइन अब आपको नंबर लाइन दी हुई है कुछ नंबर दिए हुए हैं आपको क्या करना है उसको काउंट करना है किस पर नंबर लाइन पर तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगी फर्स्ट नंबर इज नंबर फाइव तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे जीरो से जीरो से स्टार्ट करके हम कहा जाएंगे नंबर फाइव तक और फाइव के बाद हमें क्या नंबर मिला है नंबर थ्री तो अब हमें फाइव स्टेप स्टार्ट करने हैं कितने स्टेप थ्री स्टेप वन टू थ्री तो हम कहा पर आ गए नंबर एट पे तो इसका मतलब क्या है फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट द नेक्स्ट वन यू विल डू बायर सेल्फ आप खुद करके देखेंगे कि आपको ये क्वेश्चन कितने अच्छे से आ गया है टू सेम एज प्रीवियस वन ये दोनों पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे ओके एडिशन बाय फिंगर काउंटिंग अभी तक हमने किस पे सीखा पिक्चर की हेल्प से सीखा नंबर लाइन की हेल्प से सीखा अब हम एडिशन किससे सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ काउंटिंग फिंगर्स लेट स्टार्ट एग्जाम्पल एड फोर एंड थ्री हमें क्या एड करना है फोर एंड थ्री को ओपन फोर फिंगर इन हैंड सबसे पहले आप अपनेड में थ्री फिंगर्स इन अनदर हैंड और अब आप दूसरी हैंड में कितनी फिंगर ओपन करेंगे थ्री वन टू थ्री नाउ काउंट आफ्टर फोर अब आपको फोर के बाद काउंट करना है तो इन हैंड में कितनी पिक्चर है फोर और इस हैंड में कितनी है थ्री तो फोर के बाद काउंट करेंगे five, six, five, six, तो इसका मतलब क्या है फोर प्लस थ्री इजिकल टू सेवन एक हैंड में आपने फोर फिंगर ओपन करी और एक हैंड में कितनी करी थ्री जब हमने फोर के बाद थ्री काउंट किया फाइव सिक्स सेवन तो कितना आया नंबर सेवन तो एंड फोर प्लस थ्री इज टू सेवन काउंट द फिंगर एंड राइट द नंबर अब आपको फिंगर्स को काउंट करना है और नंबर को कहा लिखना है इस सर्कल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन टू थ्री फोर ये कितनी फिंगर है फोर नाउ नेक्स्ट वन वन टू फोर प्लस टू अब हम इन दोनों को काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल कितनी फिंगर्स आई फिंगर्स सिक्स नेक्स्ट वन वन प्लस वन वन प्लस वन इज इक्वल टू वन टू नंबर टू द नेक्स्ट वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ए नंबर ए दू है विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर और द गिंग पिक्चर या तो आप अपनी फिंगर्स पे काउंट करेंगे या फिर जो दी हुई पिक्चर्स है इनके फिंगर्स को काउंट करके करेक्ट नंबर को सर्कल में लिखेंगे ओके एडिशन बाय स्ट्रॉक्स अब हम एडिशन किससे सीखेंगे स्ट्रोक से मतलब फोर प्लस फाइव हमें क्या काउंट करना है यहां पे नंबर है, उसके लिए हमने कितनी लाइन ड्रॉ करी फोर लाइन ड्रॉ फाइव लाइंस फॉर नंबर फाइव और फाइव के लिए हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करी फाइव देन काउंट ऑल द लाइन्स एंड राइट द आंसर उसके बाद आप सारी लाइंस को काउंट करेंगे चलिए हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो कितनी आई नाइन डेट मीन फोर प्लस इज इक्वल टू नाइन एंड द फॉलोइंग नंबर बाय मेकिंग स्ट्रोक्स यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस है आपको क्या करना है दिए हुए नंबर के सामने लाइन ड्रॉ करनी है और उसको काउंट करना है तो फर्स्ट नंबर क्या है नंबर फाइव तो हम यहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव एंड नेक्स्ट वन इज नंबर फोर वन टू थ्री फोर नाउ वी विल काउंट ऑल द लाइंस हम सारी लाइंस को काउंट करेंगे तो चलिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टोटल तो कितनी लाइंस आ गई नाइन लाइंस द नेक्स्ट वन इज नंबर वन वी विल राइट वन हेयर नाउ द नंबर थ्री हम कितनी लाइन्स खींचेंगे थ्री लाइन वन टू थ्री फोर तो सारी लाइन्स जब हमने एड की तो वो कितनी आई लाइन्स फोर तो अब आपको ये अच्छे से आ गया आई नो मेरे सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया तो अब आप खुद प्रैक्टिस करके देखेंगे कि आपने कितना सीखा ओके okay? सेम ये क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा कैसे जैसे अभी हमने प्रीवियस किया था पहले क्या नंबर है नंबर फाइव तो आप कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे टू लाइंस नाउ वी हैव टू डू अब हमें क्या करना है हमें सारी लाइंस को काउंट करना है तो चलिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितनी लाइन्स हुई सेवन द नेक्स्ट वन नंबर टू एंड नंबर टू मतलब हमें क्या करना है पहले हम टू लाइन्स यहाँ ड्रॉ करेंगे और टू लाइन्स हम यहाँ ड्रॉ करेंगे और इन सब लाइन्स को हमें क्या करना है एड करना है तो चलिए वन टू थ्री फोर नंबर फोर तो आपको एक बार मैंने फिर से समझाया आप ये क्वेश्चंस एक बार खुद प्रैक्टिस करेंगे इसकी ओके वर्टिकल एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स नंबर्स बाय ड्राइंग लाइन अभी तक हमने टू को ऐड करना सीखा अब हम कितने नंबर्स को ऐड करना सीखेंगे थ्री नंबर्स को विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन तो पहले क्या है हमारे पास नंबर टू नंबर थ्री एंड अगेन नंबर टू तो हम कैसे काउंट करेंगे ड्रॉ टू लाइन्स फॉर टू सबसे पहले नंबर टू है उसके लिए आप कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे टू लाइन्स ड्रॉ थ्री लाइन्स फॉर थ्री उसके बाद है नंबर थ्री तो उसके लिए आप कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे थ्री लाइन्स वन टू थ्री नेक्स्ट ड्रॉ टू लाइन्स फॉर टू अब नंबर टू के लिए आप कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे टू लाइन्स काउंट ऑल दीज लाइन अब आप सारी लाइन्स को क्या करेंगे काउंट करेंगे चलो चलिए काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सारी लाइंस को जब हमने काउंट किया तो हमारे पास क्या आया नंबर सेवन नाउ वी विल डू एक्सरसाइज एड बाय ड्राइंग लाइन्स अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें इनको ऐड करना है कैसे लाइंस ड्रॉ करके फर्स्ट नंबर इज नंबर टू सो वी विल मेक टू लाइन्स फॉर नंबर टू उसके बाद है नंबर फाइव हम कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे नंबर के लिए उसके बाद है हमारे पास नंबर टू तो हम इसके लिए भी कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे टू लाइन्स अब हमको क्या करना है अब हम इन सब लाइन्स को एड करेंगे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन Eight, तो जब हमने सारी लाइंस को आपस में ऐड किया तो हम कितनी लाइंस आ गई वो नंबर नाइन नाउ नंबर फाइव नंबर टू एंड नंबर वन फाइव के लिए हम फाइव लाइंस ड्रॉ करेंगे टू के लिए हम टू लाइंस ड्रॉ करेंगे और वन के लिए हम वन लाइन ड्रॉ करेंगे और अब हम सारी लाइंस को क्या करेंगे ऐड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमारे पास क्या आया नंबर एट फाइव प्लस टू प्लस टू नंबर एट द नेक्स्ट टू पार्ट यू विल डू बायर सेल्फ सेम दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू बाय ड्रॉइंग वर्टिकल लाइन सेम ये क्वेश्चन भी आप कैसे करेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके तो चलिए एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे सबसे पहले है नंबर थ्री नंबर फोर और नंबर वन नंबर थ्री के लिए हम थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे नंबर के लिए हम लाइंस करेंगे और नंबर वन के लिए हम नंबर वन लाइन ड्रॉ करेंगे तो अब हमें क्या करना है हमें इन सब लाइंस को आपस में काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो जब हमने सारी लाइंस को काउंट किया तो कितनी लाइंस आई वो लाइंस आई नंबर में एट देन थ्री प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल टू एट सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो इन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे बाकी के दिए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इनको खुद करके देखेंगे एट द गिवन नंबर ऑरिजोंटली अब आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं आपको इनको कैसे काउंट करना है और अभी तक आपने वर्टिकल में काउंट किया था अब आपको इन नंबर को ऑरिजोनटली फॉर्म में काउंट करना है तो सबसे पहले हमारे पास है नंबर सेवन तो आप यहाँ क्या करेंगे सेवन लाइंस ड्रॉ करेंगे उसके बाद हमारे पास है नंबर एट हम एट के लिए कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे एट लाइंस उसके बाद हम इस लाइन को और इस लाइन को आपस में काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन देन सेवन प्लस एट इज इक्वल टू फिफ्टीन नेक्स्ट वन नंबर एट एंड नंबर थ्री एट के लिए आप एट लाइंस ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और थ्री के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे थ्री लाइन वन टू थ्री अब हम क्या करेंगे हम lines 8 और line 3 को आपस में काउंट करेंगे यहां कितनी लाइन्स है एट देन नाइन टेन इलेवन एट प्लस थ्री इजिकल टू इलेवन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे ओके सेम पैटर्न आप इन वाले क्वेश्चन में भी फॉलो करेंगे तो चलिए मैं आपको करके दिखाती हूं सबसे पहले क्या है हमारे पास नंबर एट और उसके बाद क्या है नंबर सेवन तो पहले हम एट लाइंस ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और उसके बाद कौन सा नंबर है नंबर सेवन सेवन लाइन्स ड्रॉ करेंगे आप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अब आप जितनी लाइंस आपने ड्रॉ की हैं आप इन सबको आपस में काउंट करेंगे यहाँ आपने एट लाइंस ड्रॉ करी और यहाँ पे सेवन तो चलिए हम इन्हें काउंट कर दें ये कितनी लाइंस है एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो टोटल कितनी लाइंस हैं फिफ्टीन द नेक्स्ट वन लाइन नंबर नाउ द नेक्स्ट वन नंबर एट प्लस नंबर फाइव सबसे पहले आप एट लाइन्स ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट और यहाँ पे कितनी line? और उसके बाद आप कितनी ड्रॉ करेंगे ट्वेल्व थर्टीन एट प्लस फाइव इजिकल टू थर्टीन ओके और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आप खुद करेंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हॉरिजॉन्टल एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स। अभी तक हमने टू नंबर्स का एडिशन किया था हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अब हम कितना करेंगे थ्री नंबर्स का एडिशन करेंगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बाय ड्रॉइंग लाइंस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले है नंबर वन देन नंबर टू देन नंबर थ्री तो वन के लिए ड्रॉ वन लाइन फॉर वन वन के लिए हमने कितनी लाइन्स ड्रॉ करी वन लाइन फॉर टू और अब टू के लिए कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे हम टू लाइन्स ड्रॉ थ्री लाइन फॉर थ्री और थ्री के लिए कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे थ्री लाइन्स देन काउंट ऑल दीज लाइन टूगेदर टू गेट द सम अब इन सब लाइंस को आपस में प्लस करेंगे और देखेंगे कि उनका सम क्या आया कि वो मिलकर कितनी लाइंस बनी सो वी विल काउंट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल कितनी लाइंस आई सिक्स लाइंस एड बाय ड्राइंग लाइंस अब हम खुद ड्रॉ करेंगे लाइंस और उसको क्या करेंगे एड करेंगे तो सबसे पहले नंबर है नंबर टू तो हम कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे टू लाइन्स उसके बाद है नंबर फोर तो हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे फोर वन टू थ्री फोर और उसके बाद क्या नंबर है नंबर थ्री वी विल में थ्री लाइन अब हमें क्या करना है लास्ट में हमें इन सब लाइंस को आपस में काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन तो टोटल कितनी लाइंस आई लाइंस आई नाइन नेक्स्ट नंबर टू टू के लिए हम टू लाइंस ड्रॉ करेंगे नंबर थ्री थ्री के लिए हम थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे नंबर फाइव फाइव के लिए आप फाइव लाइंस ड्रॉ करेंगे अब हम इन सब लाइंस को आपस में काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो हमारे पास आया नंबर टेन सेम पैटर्न यू विल फॉलो इन दिस क्वेश्चन एंड यू हैव टू डू ऑल दिस क्वेश्चन बायर सेल्फ एडिशन ऑफ जीरो अब हम किसके बारे में सीखेंगे एडिशन ऑफ जीरो प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया था जीरो मीन्स नथिंग लुक एंड अंडरस्टैंड सबसे पहले हम कुछ पिक्चर दी हुई है इनको देखेंगे और समझेंगे नथिंग इज इन द बास्केट इस बास्केट में कुछ भी नहीं है नेक्स्ट थ्री वाटर मेलन आर कैप्ट इन द बास्केट और इस बास्केट में कितने वाटर हैं? है थ्री वन टू थ्री सेम थ्री वाटर मेलन आर इन द बास्केट इस बास्केट में कुछ नहीं है इस बास्केट में थ्री वॉटर हैं। तो वो नेक्स्ट बास्केट में कितने आए थ्री आए अब आप सोचेंगे कि कैसे आए वी फाइंड जीरो इसमें क्या है कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ क्या है जीरो और नेक्स्ट बास्केट में कितने हैं कि जब हमने थ्री में जीरो को ऐड किया तो हमारे पास क्या आया सेम नंबर आया इन द सेम वे जीरो प्लस फोर इजिकल टू फोर जीरो में जब हम फोर काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा नंबर फोर जीरो प्लस एट इज इक्वल टू एट एज सो ऑन ऐसी जब हम जिस भी नंबर में जीरो को काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सेम नंबर ही आएगा वेन अ नंबर इज एडेड टू जीरो द नंबर रिमेन्स द सेम कि जब किसी नंबर में हम जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर क्या रहता है सेम रहता है डू एडिशन तो अब हम जीरो नंबर वाली एडिशन करेंगे तो फर्स्ट बॉक्स में क्या है जीरो है प्लस फाइव और यहां पर क्या है फाइव जीरो प्लस फाइव इजिकल टू फाइव सेम जीरो प्लस नाइन इजिकल टू नेक्स्ट वन थ्री प्लस जीरो इजिकल टू जब थ्री में हमने जीरो को काउंट किया तो हमारे पास क्या आया नंबर थ्री सेम एट प्लस जीरो इजिकल टू एट द फॉलोइंग नंबर वर्टिकली आप कुछ नंबर है हमें एड करना है वर्टिकली नंबर फाइव प्लस नंबर जीरो जब हमने फाइव में जीरो को ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा नंबर फाइव आएगा कैसे आया देखिए फाइव है हमने इसके लिए कितनी लाइंस ड्रॉ करी फाइव लाइन और यहाँ पे क्या है जीरो तो इसका मतलब हमें जीरो के लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं करनी तो सेम लाइंस को जब हमने काउंट किया तो कितनी है वन टू थ्री फोर फाइव तो हमने यहाँ क्या लिखा नंबर फाइव डेट मीन फाइव प्लस जीरो टू फाइव द नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल डू बायर सेल्फ एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर अब हम क्या सीखेंगे एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर अभी तक हमने सिंगल डिजिट एडिशन सीखा अब हम डबल डिजिट एडिशन सीखेंगे एडिशन ऑफ अ टू डिजिट नंबर विद अ वन डिजिट नंबर इसमें हम क्या सीखेंगे टू डिजिट नंबर में हम वन डिजिट नंबर को ऐड करना सीखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अ टू डिजिट नंबर हैज टू प्लेसेस वंस एंड टेंस कि जो टू डिजिट नंबर होती है उसकी दो प्लेसेस होती हैं वंस एंड टेंस तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि वंस प्लेस क्या होती है और टेन प्लेस वी आर हैविंग नंबर ट्वेंटी थ्री हमारे पास क्या नंबर है ट्वेंटी थ्री सो थ्री वंस प्लेस डिजिट नंबर तो थ्री कहाँ पर है की थ्री कहाँ है वंस की प्लेस पर है टेंस डिजिट टी और टू कहाँ पर है ones की प्लेस पर है वी एट अ टू डिजिट नंबर विद अ वन डिजिट नंबर वी फर्स्ट द एट डिजिट एंड राइट द टेंस डिजिट एज इट इज़ तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वंस प्लेस वाली डिजिट को एड करेंगे और उसको वंस के कॉलम में लिखेंगे फिर टेंस डिजिट वाली कॉलम को ऐड करके टेंस डिजिट की प्लेस पर लिखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे सीखते हैं फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग नंबर फोर्टी वन एंड नंबर फोर तो वन कहा है वंस की प्लेस पे और फोर भी कहां पर है वंस की प्लेस पे सबसे पहले हम वन और फोर को क्या करेंगे ऐड करेंगे इजिकल टू फाइव जब हमने वन और फोर को ऐड करा तो वो कहाँ आया वंस की प्लेस पर आया नंबर फाइव आफ्टर देन देयर इज अ नंबर फोर लेकिन फोर के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो हमने फोर को सेम ऐसे ही टेंस पे लिख दिया सो इट्स मीन फाइव टी इज टू टेंस टी किसके लिए यूज होता है टेंस के लिए और ओ यूज होता है वंस के लिए ओके एड बाय ड्रॉइंग लाइन्स तो अब हमें डबल डिजिट नंबर को सिंगल डिजिट नंबर से ऐड करना है कैसे लाइन ड्रॉ करके तो so, सबसे पहले हमारे पास क्या है नंबर वन सो आई विल मेक वन लाइन फॉर इट उसके बाद है नंबर थ्री तो थ्री के लिए हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे अब हम इनको काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर वन प्लस थ्री इजिकल टू फोर तो हमने कहा लिखा इसे वंस की प्लेस पे लिखा और टेंस की प्लेस पे हमारे पास क्या है फोर है और दूसरा नंबर नहीं है तो हम फोर को सेम ऐसे ही कॉपी करेंगे नेक्स्ट इज नंबर सिक्सटी टू एंड नंबर सिक्स तो अगेन वी विल ड्रॉ अ लाइन सबसे पहले हम टू के लिए टू लाइंस ड्रॉ करेंगे और सिक्स के लिए सिक्स लाइंस ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम टू लाइन्स और सिक्स लाइन को ऐड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो हमारे पास क्या आया नंबर एट और सिक्स का सिक्स आ जाएगा तो सिक्सटी टू प्लस सिक्स इजिकल टू सिक्सटी एट नेक्स्ट यू विल डू बायर सेल्फ एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर अब हम क्या सीखेंगे टू डिजिट नंबर्स का एडिशन टू डिजिट नंबर से ऐड करना सबसे पहले हम वंस वाली डिजिट ऐड करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे उसके बाद हम टेंस वाली डिजिट ऐड करेंगे और उसका आंसर लिखेंगे तो वंस पर हमारे पास क्या है टू और फोर तो हमने टू और फोर को ऐड किया तो हमारे पास आया नंबर सिक्स उसके बाद हमने नंबर थ्री और टू को ऐड किया नंबर थ्री और टू कहां पर है Tense की प्लेस पर तो हमारे पास क्या नंबर आया नंबर फिफ्टी सिक्स तो चलिए एक हम करके देखते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या नंबर थ्री तो थ्री के लिए हम थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे उसके बाद है हमारे पास नंबर टू और टू के लिए हम टू लाइंस ड्रॉ करेंगे थ्री प्लस टू इज टू फाइव अगेन द नेक्स्ट नंबर इज नंबर थ्री एंड फोर ये कहाँ पर है टेंस की प्लेस पर है तो थ्री के लिए हम थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे और फोर के लिए हम फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम दोनों लाइंस को ऐड करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो सेवन को हम कहाँ लिखेंगे टेंस की प्लेस पे लिखेंगे बच्चों बाकी के क्वेश्चन आप खुद करके देखेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कैसे टू डिजिट नंबर को हमें किससे ऐड करना है टू डिजिट नंबर से तो चलिए फिर मैं आपको करके दिखाऊंगी सबसे पहले हमारे पास क्या है नंबर फाइव तो फाइव के लिए हम कितनी लाइंस ड्रॉ करेंगे फाइव द नेक्स्ट नंबर इज नंबर जीरो तो जीरो के लिए हम कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो टें तो वंस की प्लेस पे हमारे पास क्या आया नंबर फाइव द नेक्स्ट इज नंबर थ्री एंड नंबर फोर थ्री कहाँ पर है टेंस पर और फोर भी कहाँ पर है प्लेस पे तो थ्री के लिए हम थ्री लाइंस ड्रॉ करेंगे पहले और फोर के लिए हम फोर लाइंस ड्रॉ करेंगे तो तो जब हमने 35 में 40 को add किया तो हमारे पास क्या आया नंबर सेवनटी फाइव तो कुछ और क्वेश्चंस में आपको करके दिखाऊंगी नंबर सिक्सटी सिक्स एंड नंबर इलेवन तो सिक्स के लिए हम सिक्स लाइन ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड हेयर नंबर वन वन के लिए हम वन लाइन ड्रॉ करेंगे सिक्स प्लस वन इज इकल टू सेवन अब हम ऐड करेंगे टेंस वाली प्लेस की देयर इज नंबर सिक्स सिक्स के लिए हम सिक्स लाइन ड्रॉ करेंगे और वन के लिए वन लाइन सिक्स प्लस वन इज इकल टू सेवन जब हमने सिक्सटी सिक्स में नंबर इलेवन ऐड किया तो हमारे पास क्या ना तो हमारे पास क्या नंबर आया नंबर सेवेंटी सेवन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू बाय सेल्फ एडिंग डबल डिजिट्स अब हमें क्या करना है हमें फिर से ऐड करना है किसको डबल डिजिट को तो सबसे पहले हमारे पास है डिजिट ट्वेंटी वन और डिजिट फोर्टी एट अब हम इनको काउंट करेंगे सबसे पहले हम वन प्लेस की डिजिट को काउंट करेंगे वन के लिए हम वन लाइन ड्रॉ करेंगे और एट के लिए हम एट लाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अब हमें क्या करना है एट और वन को काउंट करेंगे एट प्लस वन इजिकल टू नाइन आफ्टर देन वी विल काउंट नंबर आफ्टर देन वी विल एड नंबर टू प्लस फोर टू के लिए टू लाइन्स और फोर के लिए फोर लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे टू प्लस फोर इजिकल टू नंबर थर्टी सेवन एंड नंबर फिर हम क्या करेंगे place की डिजिट को ऐड करेंगे और उसके बाद की तो सेवन लाइन्स ड्रॉ करेंगे वन टू फोर फाइव सिक्स सेवन एंड टू लाइन सेवन प्लस टू इजिकल टू नाउ नंबर थ्री थ्री के लिए हम थ्री लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फोर के लिए फोर लाइन थ्री प्लस फोर इज टू सेवन द नेक्स्ट पार्ट यू विल डू बाय सेल्फ नाउ अगेन वी आर हैविंग डबल डिजिट नंबर एंड वी हैव टू काउंट देम तो सबसे पहले है नंबर थर्टी टू और नंबर फोर्टी थ्री थर्टी so, टू में सबसे पहले हम वंस वाली प्लेस की डिजिट को काउंट करेंगे देयर इज नंबर टू तो हम कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे टू लाइन और नंबर थ्री के लिए हम थ्री लाइन काउंट करेंगे नाउ देयर इज नंबर नंबर एंड इन टेंस प्लेस वो कौन सी प्लेस पर है टेंस की प्लेस पर है तो so, थ्री के लिए हम थ्री लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फोर के लिए हम फोर लाइन्स ड्रॉ करेंगे जब हमने दोनों लाइन्स को काउंट किया थ्री प्लस फोर इजिकल टू सेवन द नेक्स्ट वन इज टेन प्लस फिफ्टी एट तो जीरो के लिए कोई लाइन ड्रॉ नहीं होगी तो एट के लिए हम एट लाइन्स ड्रॉ करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सेम नंबर जीरो प्लस एट इजिकल टू एट द नेक्स्ट नंबर इज नंबर वन एंड नंबर फाइव वन के लिए वन लाइन ड्रॉ करेंगे और फाइव के लिए फाइव लाइन तो प्लस को काउंट किया तो क्या आया नंबर रेस्ट ऑफ़ द क्वेश्चन यू विल डू बाय सेल्फ सो देयर आर सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ टू डिजिट नंबर टू डिजिट नंबर के कुछ और क्वेश्चन हैं किस लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए तो चलिए मैं आपको एक बार फिर समझाती हूँ नंबर थर्टी वन प्लस फोर्टी सेवन हमें क्या करना है थर्टी वन और फोर्टी सेवन को ऐड करना है तो सबसे पहले हम वंस डिजिट की नंबर को काउंट करेंगे तो वंस डिजिट की प्लेस पर है नंबर वन तो उसके लिए हम वन लाइन ड्रॉ करेंगे और सेवन के लिए हम सेवन लाइन्स ड्रॉ करेंगे तो जब हम इन वन को और सेवन को काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आया नंबर एट सेम नाउ वी विल एड डिजिट नंबर अब हम की प्लेस पे जो नंबर है अब हम उनको ऐड करेंगे तो नंबर थ्री तो थ्री के लिए हम थ्री लाइन्स ड्रॉ करेंगे और फोर के लिए हम फोर लाइन्स ड्रॉ करेंगे अब हमें क्या करना है हमें थ्री लाइन्स और फोर लाइन्स को आपस में ऐड करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन थ्री प्लस फोर इजिकल टू सेवन तो हमारे पास दोनों डिजिट्स को ऐड करके क्या नंबर आया नंबर सेवेंटी एट नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी टू एंड नंबर ट्वेंटी हमें नंबर ट्वेंटी टू और ट्वेंटी सिक्स को ऐड करना है सबसे पहले हम वन प्लेस के डिजिट को ऐड करेंगे टू के लिए मैंने टू लाइंस ड्रॉ करी और सिक्स के लिए मैंने सिक्स लाइन्स ड्रॉ करी जब मैंने टू और सिक्स को प्लस किया तो मेरे पास आया नंबर एट और फिर अब मैंने क्या किया मैंने टेंस की प्लेस के लिए लाइंस ड्रॉ करी टू के लिए मैंने टू लाइंस ड्रॉ करी अगेन नंबर टू अगेन आई हैव ड्रॉ टू लाइन देन टू प्लस टू इक्वल टू फोर नेक्स्ट लाइन नंबर सिक्सटी फोर एंड नंबर फिफ्टीन अब हमें काउंट करना है नंबर सिक्सटी फोर और नंबर फिफ्टीन को तो फोर के लिए मैंने पहले फोर लाइंस ड्रॉ करी और फाइव के लिए मैंने फाइव लाइंस ड्रॉ करी तो अब मैंने क्या किया अब मैंने दोनों लाइंस को जब ऐड किया फोर प्लस फाइव इजिकल टू नंबर नाइन एंड सिक्स प्लस वन सिक्स के लिए मैं सिक्स लाइंस ड्रॉ करूंगी और वन के लिए वन लाइन सिक्स प्लस वन इज टू सेवन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू बायोर सेल्फ अगेन देयर आर सम मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू अब आपके लिए थोड़े से और क्वेश्चन है किस लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए जिससे आपको एडिशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आप उसको विदाउट एनी हेल्प सॉल्व कर सके तो चलिए एक बार फिर मैं आपको समझाती हूँ नंबर ट्वेंटी टू प्लस नंबर फोर्टी थ्री हमें क्या करना है नंबर ट्वेंटी टू और नंबर फोर्टी थ्री को एड करना है तो टू के लिए मैं कितनी लाइन ड्रॉ करूंगी टू और थ्री के लिए थ्री लाइन जब मैंने टू और थ्री को ऐड किया तो मेरे पास आया नंबर फाइव आफ्टर देन देयर आर नंबर टू एंड नंबर फोर नंबर टू और फोर है कहां पर टेंस पर तो टू के लिए मैंने टू लाइन्स ड्रॉ करी और फोर के लिए मैंने फोर लाइन्स ड्रॉ करी टू प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्स द नेक्स्ट वन इज नंबर नाइन जीरो नाइन डेट्स मीन नंबर नाइन प्लस फोर्टी तो इसके लिए क्या करेंगे पहले हम वंस वाली प्लेस को काउंट करेंगे वंस पे क्या है मेरे पास नंबर नाइन है और नंबर जीरो डेट्स मीन नाइन प्लस जीरो इज इक्वल टू नाइन एंड इन नेक्स्ट पार्ट नंबर टेन जीरो प्लस फोर जीरो प्लस फोर इजिकल टू फोर जब फोर में जीरो को ऐड करा तो फोर आएगा जब नाइन में जीरो को ऐड किया तो क्या आएगा नंबर नाइन ही आएगा तो बच्चों मुझे लगता है अब आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो जितने बचे हुए क्वेश्चन हैं आप उसकी एक बार फिर से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे ओके नाउ द टाइम फॉर स्टोरी सम्स ऑन एडिशन अब हम कुछ स्टोरी सम्स करेंगे किसके एडिशन के तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर वन थ्री लेडी बग्स आर सिटिंग ऑन द कि एक पर कितनी लेडी बग्स बैठी हैं थ्री टू मोर लेडी बग्स ज्वाइन देम थ्री तो पहले ही बैठी हुई थी और कितनी लेडी बग्स ने उनको ज्वाइन किया टू और आ गई उनके साथ हाउ मैनी आर देयर ऑल टूगेदर तो अब आपको बताना है कि टोटल कितनी लेडी बीव पर आ गई हैं तो पहले कितनी थी मेरे तो पहले कितनी थी पर और और कितनी और टू। तो थ्री प्लस टू इज इक्ल टू नंबर फाइव तो टोटल तो कितनी हो गई फाइव द नेक्स्ट वन दे आर फाइव बॉल्स कितनी बॉल्स हैं फाइव बॉल्स हैं थ्री मोर एडेड और उनमें कितनी और एड हो गई थ्री और एड हो गई हाउ मैनी आर देयर ऑल टूगेदर तो अब आपको बताना है कि फाइव बॉल्स पहले थी थ्री बॉल्स और आ गई तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई तो पहले मेरे पास कितनी बॉल्स थी फाइव और कितनी आ गई थ्री तो हमें क्या करना है फाइव और थ्री को ऐड करना है तो फाइव प्लस थ्री इजिकल टू हम काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव Six, seven, eight. तो टोटल कितनी बॉल्स हैं एट बॉल्स नेक्स्ट वन यू विल बाई योर सेल्फ देयर आर टू बर्ड्स ऑन अ ट्री ब्रांच कि एक ट्री की ब्रांच पे कितनी बर्ड्स बैठी हैं दो बर्ड्स बैठी हैं टू मोर ज्वाइन देम दो तो पहले से ही बैठी थी और दो ने उनको और ज्वाइन कर लिया हाउ मैनी आर देयर ऑल टूगेदर अब आपको ये बताना है कि दो पहले बैठी हुई थी दो और आ गई तो अब वहां पर टोटल कितनी बर्ड्स हैं तो पहले कितनी बर्ड्स थी टू और बाद में और कितनी आ गई टू अब हमें क्या करना है इन दोनों को ऐड करके बताना है कि टोटल कितनी बर्ड्स आ गई वन टू थ्री फोर टू प्लस टू इजिकल टू फोर ओके नेक्स्ट वन यू विल डू बाई योर सेल्फ सो माई डियर कि हेल्प ऑफ पिक्चर विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर बाय ड्राइंग हॉरिजोंटल एंड वर्टिकल लाइन तो आपने कितने डिफरेंट तरीके से एडिशन करना सीखा सो Thanks so much for watching this video stay tuned for next video till then take care bye bye